नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पिछली वीडियोज में प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। तो आरबीएसई की प्रश्नावली प्रश्नावली 4.2 के नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बात करते हैं। तो अपन लोग कक्षा 12वीं की बुक पे बात कर रहे हैं भैया, कक्षा 12th की मैथमेटिक्स के ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं, 4.2 की बुक के ऊपर मत बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9-8 तक अपन ने कर लिया था, अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी, और नेक्स्ट है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी सी। ठीक, कुछ इसी प्रकार से है जिसको अपन लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। तो आप लोगों को शांति से देखेंगे, केवल उन्हीं गुणधर्म अपन लोगों ने जो पढ़े हैं उनका प्रयोग करना है। और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा देखें। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, पिछली वीडियोज नहीं देखी है, पहले उन वीडियोज को जा करके देखें, तब जा करके अगली वीडियो से आपको समझ में आएंगी। मैथमेटिक्स से शुरुआत से जुड़े रहें, मैथमेटिक्स से आप जानते हैं, इसके लिए कंटिन्यूअसता जरूरी है। यदि आप लोग बीच में कहीं कोई मिसिंग करते हैं तो निश्चित रूप से अगला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और हम लोगों का भी आपका साथ और प्रोत्साहन बना रहे, इसलिए बहुत कम व्यूज हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको अपन आप लोग स्वयं अच्छे से निभाएं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे हम लोगों का मनोबल बना रहे, है ना। तो देखिए, अपन लोग बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में, तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो है ये मेरे पास में C1 है, और ये क्या है C2, और ये क्या है C3। अब मैं C1 के अंदर लगा रहा हूँ गुणधर्म। C1 बराबर क्या हो गया, C1 प्लस C3 कर सकता हूँ ना भैया, C1 प्लस C3 कर रहा हूँ। देखो मेरे पास एक ही काम करूंगा बस, मैंने आपको बता दिया। कम से कम 90% क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं, जैसे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलते हैं, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं साइन कोसाइन बदलने से। ऐसे यहाँ भी बता देता हूँ मैं ना, ये पुस्तक में लिखी हुई बातें नहीं है, 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कि आप 1 1 बनाइए, उन 1 में से 2 1 को 0 करके प्रसार कीजिए, मेरा काम हो जाएगा गारंटी से। आप, मैं इसी तरफ काम कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं ए को जोड़ने जा रहा हूँ, यदि ए को जोड़ू तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बी जोड़ेंगे तो क्या हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी, सी जोड़ा तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। बाकी का सेम ऐसे ही उतारूंगा भैया, बिल्कुल तसल्ली से ऐसे ही उतारने वाले ना, देखना बिल्कुल मजे से होगा क्वेश्चन। दो लोगों को हार्ड लगती होगी प्रश्नावली, बिल्कुल चुटकियों में निकलेंगे। थोड़ा मेरे साथ में आप काम करें, आप दिमाग को कॉन्सेप्ट बैठा लें कि ज्यादातर अपने को कोशिश करनी है कि 1 1 की तरफ चले जाएं और 2 1 को 0 करके प्रसार मार दे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बस इसको कॉमन निकाल लूं, कॉमन, चलो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी में कॉमन मार लिया तो क्या हो गया, देख आया कि नहीं आया 1 1। अब बोला आपके दिमाग में आ गई होगी मैं करने वाला क्या हूँ, है ना। आप लोग स्वयं भी कर सकते हो, बोले इन दो में से एक जीरो करूंगा, दोनों को, दो को जीरो करूंगा 3 में से, और उसके बाद प्रसार मार दूंगा मैं, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है ना। चलो यही काम करते हैं, क्या करूं मैं, है ना, इन दो को जीरो कर लूँ ना, ठीक है ना। तो पहला दो संख्या एक साथ लगा रहा हूँ भैया ना, गौर फरमा लेना। R1 बराबर R1 माइनस क्या करूं, R3 कर दूं, चलो आपको क्लियर रहेगा, कहीं भी कटो कोई दिक्कत नहीं। R2 बराबर R2 माइनस R3 कर दूं, ठीक है, दोनों में से R3 घटा रहा हूं मैं, मर्जी मेरी, तुम्हारा मन करे ये घटा लेना, जो कोई दिक्कत नहीं है। दो को जीरो करना मेरा परम उद्देश्य है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कहीं से जाओ नो टेंशन। तो देखो साहब, ए प्लस बी प्लस भी रटा पिटी का खेल नहीं है भैया, मैथमेटिक्स है ना। इधर अपन लोग घटाने जा रहे हैं साहब, इसको घटाएं क्या हो गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ बोल, इसको घटाऊं। आपको पता है ना ए प्लस बी में से, बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, वैसे आप लोग कर सकते हैं, घटा रहा हूँ, माइनस सी माइनस ए बोल, कटा कि नहीं कटा, क्या बचा, बी माइनस सी बचा कि नहीं बचा, लिख दूं क्या, बी माइनस सी, है ना। अगली बात अपने पास में ये घटी है ना, ये घटी है, ये घट गया, ये है ना ए माइनस सी, चलो कोई नहीं ए माइनस सी हो गया, है। अगली बात ऐसी R2 में से ये घटाया मैंने जीरो, इसको घटाते अपने को पता चला सी कट गया, क्या बचा, बी माइनस ए, कोई नहीं, ये क्या हो गया, बी माइनस सी, ठीक है साहब, है ना, बचा क्या 1 सी प्लस ए और सी। अब बोलो मैं जीरो किया क्यों किया, प्रसार इसी के सापेक्ष करूंगा, किसके सापेक्ष करूंगा, जीवन के सापेक्ष, जीवन के सापेक्ष प्रसार करने पर, है ना, समझ रहे होंगे मेरी बात, है ना।
के साथ कुछ प्रसार करूंगा तो आगे ए प्लस बी प्लस सी पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहे भैया, अगली बात में ये जीरो जीरो का आगे कोई भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है, जीरो कुछ भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है, प्लस वन वन प्लस ही आएगा ना। और सोच लो वन का एड्रेस क्या है, 3 1 है, 3 और 1 4 होते सम होता है ना, चल ठीक है। इसके बाद ये रो गया कॉलम गया, बचा क्या, ये बचे ना, बोल मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, ऐसे करूँ तो बी प्लस सी का बी प्लस सी से किया, और फिर बी माइनस सी का बी माइनस सी से कर रहा हूँ भैया, क्या होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया क्या, चलो कुछ तक थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है ना, बी माइनस सी हो गया, तो बी माइनस सी का बी माइनस सी से कर रहा हूँ, बी माइनस सी का स्क्वायर आने वाला है, इसका गुणा इससे, चलो करते हैं इसका गुणा, बी का गुणा करो भैया, तो बीच में माइनस लगाने वाला हूँ मैं, पहले एक बार लिख देता हूँ, बी माइनस ए है ना, बी माइनस ए और ए माइनस सी, दैट्स ऑल है ना। अगली बात में ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये जीरो कोई मतलब नहीं है, ये वन आगे करता हूँ भैया, देख इसको खोलता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, सही बात है क्या, बी माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया ना। इसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग क्या करते हैं, चलिए कोष्ठक लगा देता हूँ, माइनस गड़बड़ नहीं करे इसलिए, बस गुणा करो आप तो, ए बी बी सी माइनस ए स्क्वायर और बोल माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस नहीं प्लस ए सी, माइनस माइनस प्लस होने वाला है ना, ठीक है सर, चलो ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसके बाद में अपन लोग ये माइनस भी अंदर डाल लेते थे, माइनस जैसे अंदर डालूंगा ए स्क्वायर माइनस होगा प्लस होगा, बोलेगा प्लस, देख लिया ना मैंने, बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है, उसके बाद में क्या माइनस का 2 BC है ना, चल तो माइनस अंदर डाल, ये क्या हो गया माइनस का ए बी, ये क्या हो गया प्लस का बी सी, ये क्या हो गया माइनस का ए सी। अब थोड़ा सा गौर फरमा के बताना मेरे को भैया, आपको नजर पड़ गई होगी कहानी, बोलो नजर नहीं पड़ी हो तो मेरे को बोल देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहली बात तो ये इसकी और इसकी शक्ल मिलती है क्या, 2 BC में से 1 BC गया तो माइनस का बी सी, माइनस का ए बी और माइनस का ए सी, बोलो किसका फॉर्मूला है, आप लोगों को यदि ज्ञात हो तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी करके जो अपने आप में जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला भैया, इसी का ही तो फॉर्मूला है, 9th क्लास में पढ़ी है सरसमी का, तो अपने पास में क्या है ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला इसी का ही है, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB C, बोलो लाना क्या था, यही लाना था ना, बराबर RHS, और ये हेंस प्रूफ, बात आई समझ नहीं आई, ठीक है सर। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था नवा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चा बच्चा करेगा इसको भाई साहब, मेरे बिना कराए करेगा गारंटी से, ठीक है ना, कर लेते हैं फिर भी है ना, चलो कोई नहीं, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आते हैं, 12th क्लास में साइंस नहीं है इतना तो मैं विश्वास कर सकता हूँ ना, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आते हैं, बस कुछ नहीं है उसके अंदर, जोड़ घटाव गुणा भाग है, देखो भाई क्या लिख रहा है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और क्या लिखा है सर, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, कह रहा मान निकाल, टेंशन ही क्या है मान निकालने में, पहले 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का 9 4 9 16 9 16 25, काम क्या करूं, 2 0 करूं प्रसार मार दूं, ठीक है ना, 2 0 करने के लिए देख एक एक से अच्छा खेला जाएगा, 4 का गुणा करके तो इसमें से घटा दूं और 9 का गुणा करके इसमें से घटा दूं, बोल 0 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, हाँ तो करे थे भैया, अरे 0 कर देते भैया, देख सुन ध्यान से सुन है ना, मैं क्या करता हूँ C1 में क्या C2 और C3 में लगा रहा हूँ, C2 बराबर C2 माइनस 4 C1, और देखो दोनों साथ लगा दूं थोड़ा गौर फरमा लेना, C3 बराबर C3 माइनस 9 C2 9 C1, 9 का गुणा करके इसमें से घटाऊं 4 का करके इसमें से घटाऊं, कोई प्रॉब्लम भैया, चलो समस्या नहीं है तो मेरे साथ में कर लो भैया, जोड़ घटाओ बड़ा भाग, भैया देख छेड़ना किसका C2 और C3 को, C1 को छेड़ना नहीं है भैया, पहले तू ऐसे ही भैया C1 ही लिख ले, तो असल जब छेड़ना ही नहीं है तो, अब देख 4 का गुणा कर घटा 0 आया क्या, 4 का गुणा कर 4 से 16 और 9 में से 16 गया तो भैया बोल कितना बचा, -7 बचा कि नहीं बचा, और 4 का 9 से 36 और 36 से 16 गया तो क्या बचा, 20 बचा क्या, है ना, यहाँ का काम करी, अब 9 का गुणा कर घटा भैया 0 और 9 का गुणा 4 से करो तो 4 9 36, बोल क्या बचा, -20 बचा क्या, ठीक है 9 का गुणा करो 9 9 36
इक्यासी है ना, इक्यासी 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 घटाना 25 में, घटाना 1 मिनट, घटाना घटाना कितना बचा भैया, 6 है ना, 7 में से 2 गए तो 5, 56 बच जाएंगे। हेलो सर, माइनस के 56 बचने वाला, क्योंकि इधर से जाएगा माइनस, ये बात ऐसी लिखी 25 माइनस 81। ठीक है सर, बात आई समझ नहीं आई? अब तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेगा। देखो कर लेते हैं, वन, हाँ वन के साथ में बोल क्या, रो कॉलम गया, ये 7 गुणा 56 लो सर, माइनस 7 गुणा माइनस 56 लो, आपके लिए माइनस क्या कर दूं, -20 × -20। ठीक साहब, समझ में आई? 20 20 400 लिख ही देता हूँ, ये 400 लिख देता हूँ, ये तो ये गुणा करके घटा लेना है ना, बाकी का जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी लिखना भैया, जीरो है जीरो के साथ कुछ भी लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ना भैया, है ना। हाँ साहब, 7 6 42 और 7 5 35, 35 और 4 कितना हो गया, हाँ साहब, और -400 बोल क्या बचा, माइनस का 8 बचा क्या, हाँ ये आंसर हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है, आई समझ नहीं आई है ना। और देख लेना जोड़ घटा है, जोड़ घटा आप लोग थोड़ा गौर फरमा लेना ना। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, अब बात कर दो क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है ना, चर्चा कर ही लेते, कोई बात नहीं, दो चार क्वेश्चन हो रहे हैं, पूरे क्वेश्चन लगा लेते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, है ना, बच्चे बहुत घबराते हैं साहब। अरे साहब डिटरमिनेंट ही थोड़ा सा 4.2 ही तो है साहब, बिल्कुल मैं एक ही क्वेश्चन लो, जेन्युइनली टेंशन मत लो, आप लगे रहो बस मेहनत करने में। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो साहब वन, हाँ देख के कुछ याद आएगा, है ना, 11वीं क्लास पढ़ी है, 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या लिखा था, एक आगे जाके इकाई घनमूल नाम से कोई टॉपिक था क्या, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इकाई घनमूल में, मेरे को थोड़ा सा बताओगे इकाई घनमूल क्या था, हाँ इकाई घनमूल, इकाई घनमूल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इकाई घनमूल देखिए क्या था भैया, इकाई घनमूल, हाँ बात करेंगे, इकाई घनमूल क्या था, इकाई घनमूल था साहब 1 की पावर 1/3, बोल क्या, दुनिया एक कहती है, वहां जाके आपको बताया था एक ही नहीं होता है, ओमेगा भी होता है, ओमेगा स्क्वायर भी होता है, इनकी वैल्यू भी आपने पढ़ी होंगी, हाँ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना, तो एक का घनमूल, एक के घनमूल कितने मूल होते हैं, कि तीन होते हैं, तीन, उनमें एक रूप ओमेगा, इसके अंदर फिर आगे जाकर ये डिटेल में तो नहीं पढ़ाने वाला मैं, 11वीं क्लास में जब टॉपिक स्टार्ट होगा पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में आराम से, कोई लंबा टॉपिक बढ़े है ना, खूब लंबी वीडियो बनाएंगे इसको बस, ठीक है ना, खूब बिल्कुल जड़ से खोद के निकालेंगे इसको। अभी मैं आपको बता दूं बस, दो तीन चीज आपको भी याद रखनी है, नहीं है तो याद कर लो, ओमेगा की क्या होता भैया, होता है क्या, है ना, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बोलो, होता है ना भैया, है ना, और ओमेगा + ओमेगा² क्या होता है, वैसे मेरे काम आने वाली नहीं है, बता दो थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है ना, हाँ हाँ मेरे तो बस ये दो चीजें काम आएंगी बस, आगे और भी अपन लोग कर सकते हैं, पर चलो छोड़ो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना। चलो देखो मैं तो क्या है कि मैं ओमेगा क्यू का मान रख रहा हूँ भैया, देखो देखो सर, चूंकि ओमेगा क्यू बराबर 1 रख दूं क्या, 1 1 स्क्वायर 1 1 ओमेगा, हाँ सर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, कोई नहीं चाहो तो 0 मार दो, है ना, और 0 भी नहीं मार दो, सीधा प्रसार मार दो यार, हटा R1 के साथ इस प्रसार सीधा कर दूं, जिसको मन करे वो 0 कर लेना, है ना, कोई बात नहीं है, ले लो साहब 1 1 के साथ रो कॉलम गया, क्या हो गया 1 - ओमेगा² ठीक है साहब, उसके बाद -1 बोल, रो गया कॉलम गया, क्या हो गया 1 - ओमेगा³, ठीक है इसका तो कल्याण हो गया भैया, ओमेगा² रो कॉलम गया, क्या हो गया ओमेगा - ओमेगा² ठीक हो गया। चलो अगली बात और फरमाते हैं, कोई बात नहीं, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 - ओमेगा² रहने दो इसको, 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई क्या करूँ आपकी जानकारी के लिए बता दो, ओमेगा क्यू 1 होता है ना, 1 में से 1 किया 0, तो ये कहानी हटा दूँ, 0 हो गई तो हटाई दूँ, अगली कहानी देखो साहब, ओमेगा² है ना, इसके साथ में गुणा करूं क्या होगा, ओमेगा क्यू -ओमेगा 4, हाँ ये होगा, अब ओमेगा 4 की वैल्यू जानते हो क्या आप लोग, हाँ ओमेगा 4 लिखो, ओमेगा क्यू डॉट ओमेगा 1 डॉट ओमेगा, बोले तो क्या आया, क्या बात है, ओमेगा आ गया, 1 - ओमेगा² + ओमेगा क्यू का मान भी जानते हो आप, एक होता है यार, रख दो ना, हाँ ठीक है, इसका क्या लिखूं फिर, ओमेगा लिखूं, लिख दूं ओमेगा, है ना, चलो ये 1 हो गया, 1 और 1 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कोई बात नहीं है, क्या ओमेगा, नहीं ओमेगा लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर क्यों ना, इसमें तो माइनस कॉमन ले लिया,
माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा एक्स का वैल्यू हो गया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिए थे, कौन कौन से ये पड़े। हाँ चलो इधर देखते हैं। हाँ सब इधर अपन लोग देखते हैं, वापस से इधर लिख लेते हैं लाइन। ये वन है, इसमें से माइनस कॉमन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अरे माइनस वन होती है क्या, माइनस माइनस क्या हो लिया। अब कितने वन हो गए लिख दूंगी आंसर, आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। एक बारहवां क्वेश्चन, इसके अंदर बारहवां और तेरहवां लाजवाब क्वेश्चन है भाई सब, यानी कि तरफ ध्यान दे लेना बस, कुछ नहीं है। बारहवां और तेरहवां, जिसमें तेरहवां थोड़ा सा टेक्निकल है, हार्ड वार्ड नहीं है, बस तेरहवां क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आ चुका है, बोर्ड उसको बहुत लाइक करती है उस क्वेश्चन को, है ना। बारहवां थोड़ा सा लेंथी है, दोनों ही क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में इसका मैस्कुलिनियस बोले तो विविध, है ना, उस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अब यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, ठीक है सर। तो इधर देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 पे चर्चा करो भैया, गजब क्वेश्चन है 12, वहां भी ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना भी, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है ना। ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, उसके बाद में ए बी, ठीक है साहब, उसके बाद में क्या है बी सी प्लस बी स्क्वायर, बी सी है ना प्लस बी स्क्वायर, और बी प्लस, हाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है साहब, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी प्लस सी स्क्वायर और ए सी, है ना, और उसके बाद में सी स्क्वायर बराबर 4ABC स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर, और ये प्रूव करना है भैया अपने को, है ना, क्वेश्चन पे गौर फरमा लो एक बार, है ना, क्वेश्चन देखें, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस बी सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर बराबर 4A² B² C², ये प्रूव करना, चलो करते हो कोई बात नहीं है ना, ज्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है ना। आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें से छोटा सा काम कर लेते हैं अपन लोग, चलो छोड़ो, है ना, ये इसमें अपने को यहां से ए कॉमन दिख रहा है, यहां से बी दिख रहा है, यहां से सी दिख रहा है, तो सबसे पहले यही काम क्यों ना करूं, निकाल दू ना इधर से, ये देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार, ढंग से लिख लेते हैं एक बार, देखिए ये ए स्क्वायर है, इसमें से ए कॉमन निकाल लू क्या, क्या बच गया ए प्लस बी, ये इसमें ए है ही, ये बी सी है, ये बी स्क्वायर है, बी कॉमन निकालू क्या बचा, बी प्लस सी, इसमें से सी कॉमन निकालू क्या बचा, आना ए प्लस सी, ठीक है, ये ए सी है ही और ये सी स्क्वायर है, बोला आराम से ए निकलेगा ना, निकाल लिया ए, ठीक है सर, ए निकाल लिया बचा क्या, ए ए प्लस बी और ये क्या है ए बी, ए बी ए गया 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 बाहर, है ना, यहाँ से बी निकाल लिया, इसमें से बी है ना, बी निकाला तो क्या बच गया सी बी बी प्लस सी, ठीक है सर। इसके बाद में यहाँ से मैंने सी निकाल लिया, क्या निकाल लिया सी, क्या बच गया ए प्लस सी, है ना, सी निकाल लिया क्या बच गया ए और क्या बच गया सी, आई बात समझ नहीं आई, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपकी मर्जी है रो जोड़ो या कॉलम जोड़ो, मैं जोड़ लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आर वन बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, भैया तीनों को जोड़ रहा हूँ, इतना तो शायद आप सभी समझते होंगे, जितना मैं आप लोगों को बता दूं क्या है सब, ए बी सी, है ना, आप मेरे को बताइए इतना आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं जोड़ू ये आर वन में जोड़ना है तो दो ए हो गया और दो बी हो गया, तो बोले तो दो ए प्लस दो बी, ठीक है सर, ऐसे ही इधर मैं जोड़ू तो बी कितने दो और सी कितने दो, आराम तसल्ली से जोड़ के देखना, दो बी प्लस दो सी, और इसको यदि मैं जोड़ू तो क्या हो गया दो ए प्लस दो सी, ठीक है सर। इसके बाद में अपन लोग क्या करते हैं, नीचे जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, ए प्लस बी 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 प्लस सी ए सी, बोल दो कॉमन दिख रहा है कि सब में से खींच लो दो कॉमन, क्या हो गया दो ए बी सी, आना क्या रह गया दो कॉमन भैया, ए प्लस बी दो कॉमन, बी प्लस सी दो कॉमन, ए प्लस सी, ये क्या हो गया ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी और सी। अब देखो किसी को यदि जीरो करना है आपको एक आध को, तो आप जीरो कर सकते हैं, बोले इसमें से इसको घटा दूं ये हो जाएगा जीरो, है ना, उसके बाद प्रसार कर देंगे, अब डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं,
चल एक और कर देता हूँ, R1 बराबर R1 माइनस R2 कर दूँ, बोल देख कुछ इजी होता है तो, है ना, कुछ इजी होता है तो अपन लोग देखते हैं इसमें से, ये बताया भी है ना, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है सब। तो सिंपल सी बात है क्या कि मैं इसमें से ये घटाने वाला हूँ, देखो इसमें से ये जाएगा, बोल क्या बचा, जीरो, है ना, लगाई क्यों थी, इसीलिए लगाई थी, एक जीरो बने अपना प्रसार पर लो, ये घटाया सब, बी घटिया, क्या बचा, सी, ए गया, क्या बचा, सी, है ना। अब अपने पास में नीचे पे तो कोई छेड़ाखानी नहीं है, छेड़ाखानी तो सी में होनी भी है, ये ध्यान रखा करो, जिसमें संकरी लगा रहा सी में होगी, ए प्लस बी, बी ए, बी बी प्लस सी, सी, ठीक है सब। अब नेक्स्ट अपन लोग ध्यान देते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार कर देता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसार, है ना, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ, इधर कर लेता हूँ भैया, है ना। तो देखिए ये क्या है, 2ABC, अब उसके बाद देखो जीरो के साथ में करूँ क्या क्या फर्क पड़े हुए, जीरो के साथ में कर ले गुणा, है ना, उसके बाद में सी, और सी के साथ में अपन लोग सी के साथ में जरूर करें, रो गया कॉलम गया, इसका सी से गुणा, इसका सी से गुणा तो क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना, और इसका ए से गुणा माइनस ए बी, ए लो साहब, हो गया साहब। उसके बाद में नेक्स्ट अपन लोग बात करें सी प्लस सी, और सी के साथ में क्या करो भैया, रो गया कॉलम गया, इन दोनों का गुणा, इन दोनों गुणा करता हूँ क्या हो गया, ए बी, है ना, गुणा कर रहा हूं मैं तो भैया, क्या हो गया, ए ए सी, है ना, बी का बी स्क्वायर, ठीक है साहब, और क्या हो गया, बी सी, बी सी, ठीक है साहब, इन दोनों गुणा है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है साहब, माइनस बी स्क्वायर, अब ध्यान दें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, है ना, चलो सॉल्व करता हूँ, 2ABC है ही, ये माइनस सी का गुणा करो, माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस ए बी सी, सी का कर रहा हूँ सबके साथ, प्लस ए बी सी, यानी बी सी, सॉरी माइनस का बी सी स्क्वायर, माइनस का ए सी स्क्वायर, माइनस का बी सी स्क्वायर, प्लस का ए बी सी, सी क्या करते हैं, प्लस ए बी सी, है ना, प्लस ए बी सी, और प्लस ए सी स्क्वायर, और प्लस का बी सी स्क्वायर, ठीक है सर। अब ध्यान देखो, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर गया, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर, ये 2ABC, अंदर कितने ए बी सी भैया, कितने हैं, 2ABC है ना, दो का गुणा दो से क्या हो गया, 4A² बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो तो कहाँ आया, क्या कहाँ है, कहाँ कहाँ गिर, है ना, बराबर RHS। एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद में बस, उसके बाद अपना काम फिनिश, ठीक है ना, अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई, उसको थोड़ा गौर फरमा लेना भैया, ना, उसमें अपनी एक बहुत मस्त प्रॉपर्टी काम करेगी, सोचना आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्वेश्चन देखते ही अपने को लग जाना चाहिए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी, अपने को यादें आती है बिल्कुल, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को पढ़े ध्यान से, है ना, बार बार प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखें अपन लोग, कम से कम 2-3 बार प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखें अपन लोग, है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक डेल दिया हुआ है, क्या दिया है भैया, क्वेश्चन को समझे पहले ढंग से, है ना, और जिन बच्चों को समस्या आ रही है प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो को देखें, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ में साथ आए, डेली अपन लोग वीडियो की आदत डालें, कॉपी पेन लेके बैठे पढ़ने के लिए, है ना, तो क्या हो गया, बिल्कुल आप लोगों को कहीं किसी भी क्लास की जरूरत नहीं पढ़ने दी जाएगी, घर बैठे आराम से आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है निःशुल्क, तो आप उनका निश्चित रूप से लाभ उठाएं, है ना, तो आपके पास में ये A3B3C3, A3B3C3, है ना, और मैं A1B1C1 इसके शेखंडा जाए तो अपने को सिद्ध करना है भैया, सुनना 1 मिनट, इसने क्या कहा है, जो A1 है ना, A1 का शेखंडज, समझते हो ना शेखंडज कौन है, A1 का शेखंडज A1 ऐसे करके दिया है, B1 का शेखंडज, शेखंडज कौन दिया है, B1, और C1 का C1, A2 का A2, B2 का B2, इस प्रकार से सेकंडरी जी, C2 का C2, ठीक है ना, इस प्रकार सेकंडरी, सेकंडरी का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, भाई A1 का सेकंडरी बोले तो A ये रहा, ये रो गया कॉलम गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, और उसके आगे संगम में इसका चिन्ह प्लस और माइनस, यही तो होता है,
कोफैक्टर है ना, ये क्या है कोफैक्टर है, जो अपन लोग जिसको अपन लोग एफ वन वन एफ टू टू एफ वन टू ऐसे करके जिसको पढ़ा था अपन लोगों ने, ये कोफैक्टर है ये, या फिर सी वन वन करके भी पढ़ लेते हैं अपन लोग कोफैक्टर को, सी वन टू करके ऐसे भी पढ़ लेते हैं कोफैक्टर को, है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़े हैं कोफैक्टर भी, जैसी किसी बात है। अब कोफैक्टर के बारे में एक प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी, उसको जरा सोचिए, मैं अपन के साथ में काम कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैंने एक डेल डेस मान लिया, डेल डेस ये डेल है, डेल डेस मैंने कोई आव्यूह मान लिया किसका, कोफैक्टर का, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है सर, मैंने कोफैक्टर मान लिया ना। अब ये कोफैक्टर यदि मैंने मान लिया तो अपन को सिद्ध क्या करना, उसमें थोड़ा सा गौर फरमाना, अपने को सिद्ध करना है डेल स्क्वायर बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, जो सिद्ध करना है अपने, अभी क्वेश्चन पे चर्चा हो रही है भैया, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है डेल स्क्वायर बराबर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है सर। अब अपन लोग ध्यान दें यहाँ, तो निश्चित रूप ये देखिए सर, यहाँ अपने को ये प्रूव करना है, और इस प्रूव करने के लिए ध्यान दें मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेल और डेल डैश का गुणा करने पर, ठीक है सर, गुणा करने पर, ठीक है ना, डेल और डेल डैश का गुणा कर रहा हूँ सर, ठीक है सर। हाँ भाई, डेल क्या है, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, और इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, ए वन बी वन सी वन, अब ए टू बी टू सी टू, अब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना भैया ना, है ना, थोड़ा सा शॉर्टकट ले जाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को ना, देखना कोशिश करना मेरे साथ में पकड़ने की, कोशिश करेंगे पकड़ पकड़ पाएंगे, ध्यान देना। तीसरी एक छोटी सी चीज और इसके अंदर अपन लोग कर लेते हैं, है ना, तो देखो बताओ इसमें ये डेल डेल डैश, और कल को यदि मैं डेल और डेल डैश में यदि बात करूं, इसको तो मैं ऐसे रहने दूं, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, है ना, ये जो अभी हुए डेल डैश, इसका अगर रो कॉलम चेंज कर दो तो कोई फर्क पड़ता है कि आव्यूह के अंदर अपन ने गुणधर्म पढ़ा है, आव्यूह के अंदर क्या गुणधर्म पढ़ा है, कि किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को चेंज करने को तो फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ बस, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस वगैरह के यदि सोच रहे हैं तो पंक्ति चेंज करने पर पड़ता है, वो पंक्ति या स्तंभ को चेंज करने पर, ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, है ना, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है सर, सिंपली। अब मैं इसका इसका गुणा करने जा रहा हूँ, इसका छोड़ो, है ना, इसका गुणा करता हूँ, मैं सिमिलर सोच रहा हूँ ना, इसका गुणा करूंगा क्या हो गया, ए वन बी वन और सी वन, ये कॉलम था भी गुणा होगा ना, अब ध्यान से देखो, ए वन का गुणा, ए वन का गुणा ए वन के साथ में, और बी वन का गुणा किसके साथ में सर, बी वन का गुणा बी वन के साथ में, है ना, और सी वन का गुणा किसके साथ में, सी वन के साथ में, ठीक है सर, तो सी वन का गुणा सी वन के साथ में। अब मेरे को बताओ जो पंक्ति है उसी के कोफैक्टर है कि नहीं है, ये ए वन बी वन सी वन कोफैक्टर है ना, बोलो पहली पंक्ति पहले कोफैक्टर, तो इसका मान क्या आने वाला है, इसका मतलब रिजल्ट आ जाएगा डेल, जिसको अपन लोग डेल कहते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, बोले पहली पंक्ति का पहले के साथ में किया, रिजल्ट क्या आया, डेल, ये बात पकड़ लेना बस, मेरी गारंटी है आपका सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेल आया कि नहीं आया, बोल ये सेम सेम होंगे तो रिजल्ट देगा ना, गुणधर्म पढ़ाए ना अपन लोगों ने, इस गुणधर्म का यूज करना है बस इसके अंदर। और सपोज करो कल को ये गुणा इसके साथ में करने लग जाऊं, तो मैंने क्या पढ़ा था, ए टू के साथ में ए वन बी टू के साथ में बी वन और सी टू के साथ में सी वन, बोले तो ये नंबर अलग हैं और उनके कोफैक्टर अलग हैं, जब ये अलग अलग होते हैं तो आंसर क्या आता है भैया, जीरो, पढ़ा है ना बनने, बोले यदि इसका गुणा इसके साथ में कोई डिफरेंट डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे ना, तो गुणधर्म अपन ने पढ़ा है कि कोफैक्टर अलग है और संख्या का एड्रेस अलग है, मतलब अलग पंक्ति और अलग पंक्ति का कोफैक्टर का साथ में गुणा करते तो क्या आता है भैया, जीरो, कोफैक्टर तो इसके हैं, अब पंक्ति अपन ने ये ले ली, इसके आगे क्या आंसर क्या आना है, जीरो, इसके साथ में ये और ये पंक्ति अलग को फैक्टर, देखिए वन थ्री वन थ्री वन थ्री अलग अलग, ये भी क्या होगा, जीरो। इसी प्रकार से अगली बात करता हूं मैं, अगली बात यदि करता हूं तो अब किसका गुणा करूंगा, ए टू बी टू सी टू, ये बात पकड़ लेना, देख इसके साथ में अलग एड्रेस है ना, जीरो, ये सेम है, क्या हुआ डेल, है ना, और साहब ये भी अलग डिफरेंट है, अगली बात में थ्री थ्री का मल्टीप्लाई कर रहा हूं भैया, सेम है ना, जीरो,
ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके देखना सेम होगा तो अपने पास में आंसर देगा, वरना क्या होगा, ठीक है साहब, जीरो होगा, डिफरेंट है, जीरो सेम क्या हो गया, डेल, आगे क्या चल रहा है, डेल 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 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बात समझ में आई ना, इतनी इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे को ध्यान से बताना भैया, है ना, गौर फरमाना, इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने बताया ट्रायंगल मैट्रिक्स का क्या होता है, विकर्णों का जी गुणा, विकर्णों का गुणा, इसका निकाल कर प्रसार करके देख लेना क्या आएगा, विकर्णों गुणा डेल डेल डेल, कितने डेल भैया, तीन डेल, तो क्या हो गया डेल क्यूब, अब डेल डेस बराबर निकालू तो क्या है, डेल क्यूब बटे डेल, तो डेल डेस बराबर क्या हो गया, डेल स्क्वायर, और डेल डेस क्या था, यही था प्रूव करने में, क्या था, यही था, बोले तो डेल डेस जो अपन ने माना था वही डेल स्क्वायर है, तो बोले डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ लिख दू, इसलिए डेल स्क्वायर बराबर क्या है, डेल डेस, है ना, और डेल डेस का मान क्या माना था अपन ने, क्या माना था भैया, माना था ये, है ना, क्या माना था, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ओके, ये अपना हो गया, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहें विविध के साथ में, अगला इसका अनुप्रयोग है, जिस जगह अपन लोग इक्वेशंस क्या है कि रैखिक लीनियर इक्वेशंस से रैखिक समीकरण है, उनको अभी के साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो अगली, जब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।